बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैरियर टीवी के ऊपर खुश आमदीद नाजरीन। बहुत इंपॉर्टेंट ख़ास वीडियो की इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सिंध पुलिस से रिलेटेड, जिसमें मैं बताऊँगा रिटर्न टेस्ट कब है, फिज़िकल टेस्ट कब है, रिज़ल्ट कब आएगा फिज़िकल टेस्ट का, और टोकन नंबर कैसे दस्तियाब होंगे। दोस्तों वीडियो को आपने पूरा देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और प्लीज़ दोस्तों, आप तहकीकात के बगैर ऐसे कमेंट नहीं किया करें जिससे किसी की दिल आजारी हो। तो दोस्तों, मैं जो भी वीडियो शेयर करता हूँ वो 100% ट्रूथ होती है, ठीक है। पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि अभी ये कोई वेबसाइट के ऊपर नहीं आया, तो दोस्तों इसके ऊपर ख़ास तौर पे वाजे तौर पे लिखा हुआ है 10 तारीख से स्टार्ट होंगे। तो 10 तारीख से एक दो दिन पहले ही वेबसाइट पे आएगा ना दोस्तों। ये मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए अपनी सोर्स के थ्रू ये चीज़ डाउनलोड करके आपको मैं दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए और आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएँ। आप लोग फिर भी गलत कमेंट करते हैं तो फिर गलत बात है ना। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और आप लोग कहते हैं कि फेक है, गलत है। तो दोस्तों इसके ऊपर वाजे तौर पे पीटीएस का ऊपर नाम भी लिखा हुआ है और पूरा अथोराइज सिग्नेचर हुआ हुआ है एडिशनल आईजी का। तो खैर छोड़ें उस बात को। अच्छा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएँ। दोस्तों इसके अंदर ये बताया कि फिज़िकल एंड रिटन टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर कॉन्स्टेबल एंड लेडी कॉन्स्टेबल के जो पोस्टपोन हुए थे रैन की वजह से, उसकी डेट बताइए 10 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो है रज़ाकाबाद में होंगे, और 10/9/2020 से लेके 18/9/2020 तक सईदाबाद में होंगे, ठीक है। तो इसके अभी रिटर्न टेस्ट के बारे में भी बता देता हूँ कब है। ये रिटर्न टेस्ट का शेड्यूल है, कंप्लीट फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट एट कराची टेस्ट शेल बी कंडक्टेड एट 2 सेंटर। इसमें यह बताया कि 2 सेंटरों के अंदर टेस्ट होंगे 10 तारीख से लेके 19 तारीख से, सईदाबाद में और रज़ाकाबाद में। उसके बाद इसमें यह बताया क्लोजिंग टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ रिटर्न टेस्ट फ़ी, मतलब जो इजी पैसा की फ़ीस है ना वो 20 तारीख तक पे करनी है लाजमी, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा पोर्टल, ठीक है। तो आपने अपना फिज़िकल जैसे ही पास होगा उसी वक्त आपके पास एक मैसेज आएगा, आपने उसको फ़ौरन भरना है, ठीक है। उसके बाद है इंक्वायरी टाइम फॉर फिज़िकल टेस्ट रिज़ल्ट। देखें फिज़िकल टेस्ट का जो रिज़ल्ट है ना 19 तारीख से 21 तारीख तक आ जाएगा, आप अपना पास चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फाइनल फिज़िकल टेस्ट रिज़ल्ट ऑन पीटीएस वेबसाइट, जिसको 22/9/2020 को ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा पूरे पाकिस्तान के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं अनाउंसमेंट ऑफ रिटर्न टेस्ट थ्रू एसएमएस एंड कॉल लेटर। तो दोस्तों इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि रिटर्न टेस्ट के जो मैसेज है ना वो आ जाएंगे 23/9/2020 तक, ठीक है, जिसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट एट कराची, इसमें यह बताया कि रिटर्न टेस्ट लिए कब से जा रहे हैं। इसमें यह बताया 3rd, 4th and 5th अक्टूबर से रिटर्न टेस्ट स्टार्ट है, सैटरडे संडे मंडे, सही है, रिटर्न टेस्ट स्टार्ट है। और उसके बाद इसमें यह बताया प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ रिटर्न टेस्ट जो है 12/10/2020 को आएगा, ठीक है। और इसके अंदर इंक्वायरी टाइम आफ्टर रिज़ल्ट अनाउंस जो है वो आपके सामने, और फाइनल रिज़ल्ट ऑफ टेस्ट जो है 15/10/2020 को पूरे पाकिस्तान का आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो ये थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ बैड कमेंट करने से पहले पूरी तरह इंक्वायरी कर लें। मैं हमेशा ऑफिशियल एड आपको शो करता हूँ, मैं कोई बनाया हुआ फेक एड आपके सामने शो नहीं करता। तो दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वेबसाइट के ऊपर एक दिन पहले या फिर दो दिन पहले अपडेट आती है, लेकिन मैं आपको उससे पहले अपनी सोर्स के थ्रू चीज़ पहले ही अपडेट कर देता हूँ। वीडियो देख रहे हैं कि शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।